आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आयोजित हुआ है, जिसमें सलीम साहब सेक्रेटरी साहब है, श्रीनिवासन जी सेक्रेटरी है, मधुसूदन एस की जो हमारा वेरी वेल नोन लीडर ऑफ तेलंगाना, वो भी उपस्थित है। आप सभी को जानकारी है, कांग्रेस की अगुवाई में स्टेट में एक महागठबंधन जो हुआ है, इसमें टीडीपी, सीपीआई, टीजेएस एंड तेलंगाना एन पार्टी भी सहयोगी है। और आज इंडियन मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग IUML, जिनका जनरल सेक्रेटरी कुट्टी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम केरला, उनका साथ बातचीत के उपरांत आज हमारा साथ जो उपस्थित है स्टेट प्रेसिडेंट MD इम्तियाज हुसैन जी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गानी, सेक्रेटरी महबूब आलम एंड बाकी पदाधिकारी हमारा साथ उपस्थित है। सो दे आर प्रेजेंट टुडे इन ऑर्डर टू कन्वे देयर मैसेज, दे विल सपोर्ट एंड दिस महाकुटुंब अगेंस्ट TRS विदाउट एनी कंडीशन। दे विल सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को और महाकुटुंब को, इसलिए आज उपस्थित है। और विदाउट एनी कंडीशन, उनको कोई कंडीशन नहीं है, मगर हम लोग साथ में रहेंगे। और कांग्रेस की तरफ से मैं उनको और उन साथियों को कहना चाहता हूं, पार्टी की तरफ से, हमारा नेता राहुल जी की तरफ से मैं उनको स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनका समर्थन के लिए। और ये यकीन दिला चाहता हूं, क्योंकि वो लोग अनकंडीशनली विदाउट आस्किंग फॉर एनी सीट और एनी प्रिविलेज वो गठबंधन को, कांग्रेस को समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से निर्वाचन के उपरांत उनका साथ हमारा संपर्क सहयोग रहेगा। और उनको निश्चित रूप से यथोस्थान में सम्मानित किया जाएगा। आज सो उनका जो मेन कहना है, हम आपको पहले भी कई बार कांग्रेस की तरफ से बोल चुके हैं, उनका बात तो वो रखेंगे, मगर हम ये कहना चाहता हूं कि वो जो TRS एंड KCR, एक तरफ MIM और एक तरफ BJP का साथ संपर्क रख के काम करते हैं, हालांकि वो लोग बोलते हैं हमारा NDA का साथ संपर्क नहीं है, मगर जिस ढंग से असेंबली डिसॉल्व हुआ और निर्वाचन कमिश्नर बोलने से पहले मुख्यमंत्री जी अपना तारीख भी घोषणा कर दी, जिसके लिए निर्वाचन कमिश्नर को शायद सारा देश में पहले बार कंडेम किया निर्वाचन कमिश्नर, तो इसमें पूरा मालूम होता है उनका संपर्क कितना गहरा है। ये प्रमाणित हुआ है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन में, डिमोनिटाइजेशन के समय और GST का समय, हर काम में, हर जगह में मोदी को, NDA को, KCR समर्थन किया। और सारी देश में और तेलंगाना में माइनॉरिटी को 12% देंगे बोल के गुमराह किया था इलेक्शन में,
और अभी इलेक्शन का अभी पहले करने का भी एक लक्ष्य है कि स्टेट इलेक्शन का बाद उनका एक एडवांटेज रहेगा टू गो डायरेक्टली विद एनडीए सो दैट उनका लोग रिश्तेदार भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिहैबिलिटेट हो सकते हैं। आई थिंक अभी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी जी आपको डिटेल ब्रीफ करेंगे उनका पार्टी की तरफ से वो क्यों सपोर्ट करेंगे कैसे सपोर्ट करेंगे उसका अपना बात रखेंगे। गनी जी गुड आफ्टरनून ऑल मीडिया एंड यहाँ पर प्रेस मीट में यहाँ पर शिरकत फरमा तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज श्री आरसी कुंडाया जी और साबिका एमपी कांग्रेस के हमारे निज़ामबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मधुगढ़ याशकी जी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद इम्तियाज़ जी और एआईसीसी के सेक्रेटरीज मोहम्मद सलीम साहब और श्रीनिवास साहब जो हमारे इस गठबंधन के लिए बहुत अहम रोल अदा किए। जैसा कि तेलंगाना तश्कील अमल में आने से पहले हमारे साबिका सदर ई अहमद साहब उस वक्त जो मिनिस्टर थे यूपीए के जब केसीआर साहब ने जो यहाँ पर तेलंगाना मूवमेंट चलाए उस असना में नेशनल लीडर्स पे उन्होंने कई पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स से उनकी मुलाकातें हुई तेलंगाना की तायीद के लिए तो वहाँ पर हमारे उस वक्त के फॉर्मर प्रेसिडेंट ई अहमद साहब से भी मुलाकात हुई और उन्होंने उनको तेलंगाना आने के लिए दावत भी दी। उनकी दावत पर ई अहमद साहब तेलंगाना भी आए और तेलंगाना आने के बाद केसीआर साहब ने उनको 12 मिनट का एक वीडियो जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में जैसा आंध्रा की तरफ से तेलंगाना पर जुल्म हो रहा है उसका एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाए जिस पर इंस्पायर होकर अगले ही नेक्स्ट ईयर हमारी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नेशनल काउंसिल जो बेंगलुरु में हुई थी वहाँ पर अलायदा तेलंगाना के लिए रिजोल्यूशन पास किया इस उम्मीद के साथ कि केसीआर साहब ये तेलंगाना में जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो नाइंसाफियों के खिलाफ एक आवाज़ उठा रहे और वो एक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे। तो तमाम तबकों के साथ मुस्लिम कम्युनिटी दलित कम्युनिटी और जो भी पिछड़े तबकात भी तरक्की करेंगे इस उम्मीद के साथ अलायदा तेलंगाना की तायीद की। और जब तेलंगाना क़याम अमल में आया तो जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने स्टेट में ये महसूस किया कि जैसा जैसा कि केसीआर साहब ने वादा किया था कि अलायदा तेलंगाना होने के बाद पहला सीएम जो होगा वो दलित कम्युनिटी का होगा और 4 महीने की शक्ल में जैसा कि तमिलनाडु की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को 4 महीने के अंदर तालीम और रोज़गार में फराहम किए जाएंगे और इसी तरह से मुसलमानों को वक्फ की जायदाद जो हमारे बुज़ुर्गों ने छोड़ के गई है उसको जुडिशल पावर देकर उसका सही मायने में इस्तेमाल करके मुस्तहिकीन तक वो पहुंचाने का भी उन्होंने वादा किया था। और इसी तरह हम ये महसूस भी करें कि हर साल जैसा कि पहले साल 1030 करोड़ बजट अनाउंस हुआ और दूसरे साल 1200 तीसरे साल 1400 अब हाल ही में 2000 करोड़ ऐसा बजट इन्होंने अनाउंस किया। जब इसकी हम एनालिसिस करते हैं तो हमको ये मालूम होता है कि कोई भी साल 35% या 40% से ये रकम खर्च नहीं हुई। जब रकम अनाउंस होती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौम तक नहीं पहुंचती है तो मेरा सवाल है केसीआर साहब से कि वो कौम का अपलिफ्टमेंट कैसा होगा। आप 12% रिजर्वेशन पर जब ये मालूम हुआ महसूस करते हुए हमारे ईएमएस साहब को हमने इस बात की तवज्जो दिलाई तो उन्होंने 2-3 बार केसीआर साहब को 12% रिजर्वेशन के लिए अपने वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस किए और जब 3 या 4 साल के बाद 12% रिजर्वेशन के लिए असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया गया और जैसा कि 50% से आगे ज़्यादा 62% तक हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट के कैप को ये आगे बढ़ रहा है तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल एसेंट की ज़रूरत है। तब भी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी मौजूदा पी के कुनालीकुट्टी एमपी साहब ने हाल ही में लेटर लिखकर उनको ये जब रिजेक्ट होने से पहले लेटर लिखकर कहा है कि अगर आपको इस बिल के लिए हमारी मुस्लिम लीग की नेशनल सतह पे अगर आपको ताहिद होनी चाहिए
तो दोनों आयोनों में, दोनों पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग आपको इस बिल के लिए तायद करेगी और आपके इस सोच के लिए आपको वो मुबारकबाद भी दिए, लेकिन उसके बाद ये बिल रिजेक्ट हो गया और जो है ना केसीआर साहब अपने कौन सी सियासी हिकमत अमली को देखकर इस असेंबली को डिसॉल्व करे। इन्हीं चंद तफसीलात को हमने महसूस किया और हमारे आला कायदीन नेशनल लीडर्स की नॉलेज में डाले, और जब हम नेशनल लेवल पे जब देखते हैं और सोचते हैं तो वहाँ पर भी हमको ये नज़ीर मिलती है कि जिस तरीके से इस मोदी सरकार हुकूमत में आने के बाद जैसा कि लव जिहाद के नाम पर टारगेट बनाया गया और गौ रक्षक के नाम पर जिस तरह का वायलेंस किया जा रहा है, इस तरीके के हिकमत अमली की सरकार को केसीआर ने हर उनके फैसले की मदद की है। जैसा कि उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आया तो केसीआर साहब उनको वोट देते हैं, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आया तो केसीआर साहब उनको वोट देते हैं, जीएसटी पे आप खामोश बैठते हैं जबकि तमाम छोटा बड़ा बेरोजगार परेशान है जीएसटी को लेकर, नोटबंदी से सभी लोग परेशान हैं, छोटा व्यापारी का कारोबार ठप हो गया। मोदी गवर्नमेंट का ये अमल बिल्कुल फेल है, दुनिया भर के इकोनॉमिक्स ने इसको कहा है कि ये नोटबंदी का फैसला इनका गलत फैसला है, फिर भी जो है ना इस पर भी केसीआर साहब की आवाज़ खामोश रही। और इन्हीं चंद मुद्दों पर हमने नेशनल कमेटी की नॉलेज में डालकर अभी ये फैसला किया है कि हमको, जैसा कि इन्होंने बीजेपी को हर मुद्दों पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हम कांग्रेस के लिए साथ जाने का फैसला किए। इस बात का हमने ऐलान जो है, इस बात का हमारा इरादा हमारे नेशनल लीडर्स को सामने रखा और नेशनल लीडर्स ने भी इसको काबिले मंजूर समझते हुए, वक्त की ज़रूरत समझते हुए, मुल्क की बेहतरी के लिए, दस्तूर को तहफ़ के लिए और तमाम मुल्क की खुशहाली के लिए, जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए फैसले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी पी के कुनाली कुटी साहब ने हमारे श्रीनिवास साहब से, सलीम साहब के ज़रिए हमारे इंचार्ज आर सी गुंडा साहब से रबता क़ायम किए और उत्तम कुमार रेड्डी साहब से रबता क़ायम किए और अपनी अलायंस का, अनकंडीशनल अलायंस का ऐलान किया, और इस उम्मीद के साथ कि कांग्रेस भी हमारे साथ अलायंस के साथ, दोनों पार्टियाँ, ये आज अलायंस होगा तो ये आगे तक ये अलायंस चलेगा, इस अलायंस के ज़रिए ये रिश्ता बहुत आगे चलेगा। जैसा कि केरला में हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस है, वैसा तेलंगाना में भी होगा, इस बात की उम्मीद हम कांग्रेस से करते हैं। जैसा कि यूपीए के हम एक आईयूएमएल एक पार्टनर है, वैसा ही रिश्ता हम तेलंगाना में कायम करने के लिए ये आज आगाज़ किया है। इन्हीं बातों का ऐलान करने के लिए आज हम आपके बीच में हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये बात पे हमारा ये प्रीलिमिनरी डिस्कशन है, अभी इसके लिए हमारे नेशनल लीडर्स भी आएंगे, वो लोग नेशनल पॉलिसी और स्टेट पॉलिसी पे उनका जो डिसीशन होगा वो लोग उस पर आगे बात करेंगे। और मैं एक चीज़ यहाँ पर इस बोल रहा हूँ, जैसा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो आई है, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट इस मुल्क में एक ही कानून हिंदुत्व एजेंडे को कायम करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए कोशिश कर रही है, इस पर भी मोदी गवर्नमेंट या हमारे टीआरएस गवर्नमेंट में अपनी क्लियरिटी नहीं रखी और ट्रिपल तलाक के इशू पर भी पार्लियामेंट में गायब रहे और ऑर्डिनेंस को भी उन्होंने अभी तक चुपकी नहीं खोली। ये भी एक मायने खेज है हमारी, एक वजह कांग्रेस से अलायंस होने की, ये भी एक बहुत अहम वजह है। ओके, हो जाएगा, दो तीन दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सबका साथ बातचीत चल रहा है, करीब करीब खत्म हो गया है, तो 9 तारीख तक आपको मालूम पड़ जाएगा। देर इज नो प्रॉब्लम इन सीट शेयरिंग ऑफ द अलायंस, टीजीएस, टीडीपी, सीपीआई का साथ बातचीत चल रहा है एंड यू विल कम टू नो बाय 9, ऑल द लिस्ट आल्सो विल बी रिलीज्ड। कुछ कंफ्यूजन होता है हमारा पार्टी के अंदर में भी, किसी को सीट हो गया, किसी को सीट नहीं हुआ, अभी तक कोई सीट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा,
9 तारीख का बाद डिक्लेयर होगा। अगर कोई बोलता है किसी को मिल गया किसी को मिला, ऐसा कुछ नहीं है। 9 तारीख का बाद टोटल लिस्ट फॉर द अलायंस एंड द कांग्रेस पार्टी विल बी डिक्लेयर्ड। हमारा अभी अभी भी सीपीआई के साथ बात हो रहा है, चल रहा है, और हमारा ख्याल में सभी एलिज पार्टनर के साथ सीट शेयरिंग ठीक से चल रहा है और फैसला हो जाएगा।